YM न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी महा धमाका, इनकम वेरिफिकेशन बड़ा महा बदलाव क्रीड विभाग ने किया है, जिसे आप फैमिली आईडी विभाग बोलते हो। सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, नागरिक एवं सूचना संसाधन विभाग, फैमिली आईडी का जो विभाग है इसी क्रीड विभाग के नाम से जाना जाता है। इन सभी की जो इनकम है फैमिली आईडी के अंदर बदल गई है। अपनी इनकम एक बार चेक कर लेना, फैमिली आईडी की इनकम में बहुत बड़ा बदलाव सभी की फैमिली आईडी के अंदर किया गया है। परिवार पहचान पत्र इनकम के ये स्लॉट बदल दिए गए हैं। पोर्टल पर नया धमाका, नया अपडेट अभी अभी ये हुआ है। साथियों विस्तार से संवाद में चर्चा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा में केंद्र का छोटा बड़ा कुछ भी हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना भाई, सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है। तो दोस्तों ये अब हम आपको इनकम वेरिफिकेशन के स्लॉट दिखाते हैं। फैमिली आईडी के अंदर से जब आप पीपीपी लॉगिन करोगे, परिवार पहचान पत्र अपना लॉगिन के फैमिली आईडी की ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन करोगे, तो वहां आपको ये नए धमाके फैमिली आईडी की इनकम के नए स्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर जो फैमिली आईडी है अब जो है जीरो नील, जिसकी कोई कमाई नहीं है उसकी जीरो रुपए दिखा दी गई है। जिसकी कमाई 5000 तक है उसका 1 से 5000 तक का स्लॉट बना दिया गया है फैमिली आईडी में इनकम का। 5000 से 10000 का दूसरा स्लॉट बनाया गया है। तीसरा स्लॉट 10000 से 25000 का बनाया गया है। चौथा स्लॉट 25000 से 50000 का बनाया गया है। पांचवा 50000 से 75000 का बनाया गया है। छठा 75000 से 1 लाख तक का बनाया गया है। साथियों 1 लाख तक, यहाँ तक जिसका भी है वो अंत्योदय परिवार है, यहाँ तक जिसकी भी फैमिली आईडी में इनकम है वो अंत्योदय परिवार है। साथियों अंत्योदय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है और सीएम साहब इसे अपना परिवार मानते हैं। अंत जमा में उदय, यानी अंत किसी धर्म नहीं, जाति नहीं, वर्ग नहीं, अंत मतलब पैसे से जो कमजोर है उनको उदय करना, उनको उठाना। जिनकी इनकम, जिनका इनकम का स्लॉट पीछे 1 लाख तक है उनके लिए सरकार जो है योजना सीधा उनके खाते में पैसा, अन्य तमाम तरीके की सुविधाएं उनको देने का काम करती है। इनके लिए लोन हो, इनके लिए धंधे खुलवाने हो, इनके लिए मेलों का आयोजन करना हो, सरकार की यह है कि भाई इनकी जो इनकम है ये उठकर इतनी आ जाए जितनी है। तो साथियों यहां तक तो ये हो गए अंत्योदय वाले स्लॉट। 1 लाख से 40 का अगला स्लॉट है, 1 40 से 81 का अगला इनकम का स्लॉट है। अब बात कर लेते हैं 1 40 से 81, यानी यहां तक, यहां से जितने भी ऊपर हैं, यहां से यहां तक जो है पीले वाला का स्लॉट है, यानी उनका पीला राशन कार्ड जारी किया जाएगा SBPL, और यहां से ऊपर वाले का गुलाबी है। अगर हम दोनों की बात करें तो 1,80,000 से नीचे वाले स्लॉट में जिसका भी है, इस स्लॉट तक जिसका भी है, उन सभी का बीपीएल राशन कार्ड हरियाणा प्रदेश सरकार का नियम है उन जारी किया जाता है और कर भी रही है सरकार, ऐसा नहीं है। तो साथियों जिसकी इनकम 81 तक है, इस स्लॉट तक है, उनकी जो है बीपीएल नहीं बना है तो बन के आ जाएगा, और बन रहा है तो उसका बना रहेगा। तो दोस्तों 1,80,000 तक, इतनी इनकम तक सरकार बीपीएल जारी करती है या अन्य योजनाओं के लाभ देती है, या फिर कोई भी मकान वगैरह कुछ भी सुविधा देना हो। तो दोस्तों इसमें अगला जो बदलाव किया गया है, अगला बदलाव इन्होंने ये कर दिया है इसके अंदर। पहले जो स्लॉट था 1,80,000 के बाद अगला जो स्लॉट होता था 1,80,000 से 2.5 लाख का होता था, और फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक का स्लॉट होता था, ये स्लॉटें थे। लेकिन अभी इसमें तोड़ दिए गए हैं और ये जो है आयुष्मान कार्ड को लेकर स्पेशल इनका स्लॉटों में बदलाव किया गया है। आयुष्मान कार्ड की शर्त इन्होंने 3 लाख रुपए लगा दी थी, भाई जिसकी इनकम में 3 लाख तक है उन सभी का आयुष्मान कार्ड चिरायु कार्ड जारी होगा। लेकिन अब वो कह रहा है, अब जब ये स्लॉट था 1,80,000 से 2.5, और फिर 2.5 से जो 5 वाला स्लॉट था, इसमें जो है 3 लाख की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। सरकार कह रही जारी करेंगे, लेकिन 2.5 लाख वाले का बन नहीं रहा है। अब 2.5 से 5 वाला स्लॉट है, उसकी इनकम 5 भी हो सकती है, उसकी इनकम 2.5 भी हो सकती है, उसका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए था। तो ये बड़ी समस्या आ रही थी प्रदेश के अंदर, इसीलिए इनकी जो स्लॉट है इनकम जो फैमिली आईडी के अंदर है उनमें बदलाव किया गया है। तो दोस्तों अब ये 2.5 वाला जो था 2.5 से 5 ये स्लॉट खत्म कर दिया गया है। अब नए स्लॉट जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था, 2.5 लाख इनकम थी, भाई देख लेना आपका आयुष्मान कार्ड अब बढ़ जाएगा। और जिनका 5 लाख इनकम थी, देख लो हो सकता 2.5 से 5 आपकी फैमिली आईडी में हो, अब वो आपका 3 से कम कर दिया और आयुष्मान कार्ड 3 पर जारी किया जाता है। तो भाई यहां ये 1,80,000 से 3 लाख का नया इनकम का स्लॉट दे दिया गया है। फिर 3 लाख से 5 लाख का है,
5 लाख से 6 लाख है, 6 लाख से 8 लाख है, 8 लाख से 10 लाख है, फिर ऊपर 10 लाख या 10 लाख से अधिक वाले स्लोट हैं। तो साथियों ये पूरा का पूरा बदलाव क्रीड विभाग ने किया है, ये पोर्टल का हमने लिया है आपकी सुविधा के लिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।